नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थुरिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वांखेड़े और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नवाब मलिक ने वांखेड़े पर महंगे कपड़े पहनने का आरोप लगाया, तो अब समीर वांखेड़े ने मलिक पर पलटवार किया है। वांखेड़े ने जवाब देते हुए कहा कि वो लोखंडवाला मार्केट जाएं और वहां जाकर कपड़ों का रेट पता कर लें। इतना ही नहीं, समीर वांखेड़े ने यह भी दावा किया कि ड्रग पेडलर के जरिए उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की गई है। समीर वांखेड़े ने कहा कि सलमान नाम के ड्रग पेडलर ने उनकी बहन, जो एक वकील है, उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन मेरी बहन ने उसका केस नहीं लिया क्योंकि वो NDPS के केस नहीं देखती है। उन्होंने दावा किया कि सलमान नाम के इस पेडलर ने एक बिचौलिए के जरिए हमें ट्रैप करने की कोशिश की थी। उसने एक फर्जी शिकायत इस साल के शुरुआत में मुंबई पुलिस से की थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। समीर वांखेड़े ने कहा कि सलमान जैसे कई पेडलर के जरिए सिस्टर को, फैमिली को ट्रैप करने की कोशिश की गई। पहले ही ऐसी कोशिशें और साजिशें चल रही हैं। ड्रग माफिया हम सबके पीछे लगे हुए हैं। वांखेड़े ने कहा कि एक पेडलर के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट को शेयर कर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो फिलहाल जेल में बंद है। वांखेड़े ने कहा कि जो चैट शेयर की जा रही है उसमें बहुत से मैसेज ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वांखेड़े जो शर्ट पहनते हैं उसकी कीमत 70,000 रुपए से ऊपर है, ट्राउजर की कीमत लाखों में है और वो 2-2 लाख रुपए के जूते पहनते हैं। इन आरोपों पर समीर वांखेड़े ने कहा कि वो लोखंडवाला मार्केट जाकर कपड़ों का रेट पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वांखेड़े ने कहा कि अभी उन्होंने कुछ कम पता किया है, नवाब मलिक को और पता करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।